प्रतापपुर बीपीओ पर पैसा लेकर मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाभ देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। चतरा जिले के प्रतापपुर में स्वीकृति मुख्यमंत्री पशुधन योजना में हो रहे अनियमितता को लेकर प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय अंदर बीपीओ के कार्यालय समक्ष ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। आरोप है कि प्रतापपुर बीपीओ द्वारा खुलेआम तरीके से पैसों की मोटी रकम देने वालों पर मेहरबान होकर पशुधन योजना को बिचौलियों के लिए कुर्बान कर दिया है। आपको बताते चले कि सोमवार को प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय के अंदर दर्जनों भर लोगों ने बीपीओ पर पैसा लेकर योजना देने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने बीपीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक भ्रष्ट पदाधिकारी के रूप में बीपीओ प्रतापपुर प्रखंड में आए हैं। इस पूरे मामले पर प्रतापपुर बीपीओ ने बताया कि हम लोग काफ़ी दिनों से हड़ताल पे थे और जो आरोप है वह निराधार है। पशुधन योजना का नाम ऑनलाइन करना और नाम हटाने का कार्य जब हुआ उस वक्त हम हड़ताल पर थे। हम जब कल ऑफिस आए तो भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर मेरे कार्यालय में हंगामा किया, निराधार है। इसकी जानकारी हमने वरीय पदाधिकारी को दे दिया है। ये है कि प्रतापपुर प्रखंड में सभी लोग एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, कहीं कोई बात विवाद नहीं हो रहा था, लेकिन एक भ्रष्ट पदाधिकारी बीपीओ प्रतापपुर में आए हैं जिसके चलते चूंकि पैसा के लेन देन जबरदस्त तरीके से बीपीओ साहब कर रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं उसको बिना मतलब नियम कानून से हट के भी मतलब ऑनगोइंग योजना को कर दिया जा रहा है, ऑनलाइन कर दिया जा रहा है। बाकी लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसा देने में असक्षम है, नहीं दे पा रहे हैं, उनके जैसे जैसे लोगों को काम नहीं हो रहा है, ये भारी प्रतापपुर के लिए दुर्भाग है। मैं ऊपर के पदाधिकारी और सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को तुरंत निलंबित करते हुए कार्रवाई करना चाहिए और जेल के सलाखे में डालना चाहिए ऐसे पदाधिकारी। मामला ये है कि हम लोग 22 जुलाई से 8 अक्टूबर तक हम लोग हड़ताल में थे। 8 अक्टूबर को हड़ताल टूटा, 9 तारीख को जाकर हम ब्लॉक में ज्वाइन किए। उसके बाद 4 दिन छुट्टी था। उसके बाद हम कल ऑफिस गए, इसी में लोग हम पे हंगामा सब करने लगा कि आप सब अति किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, जो ऐसा मामला सब सामने से आ रहा है, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं। तो लिस्ट बनने और कुछ नाम डिलीट होने का मामला सामने आ रहा था, क्या है लिस्ट? अब किससे एंट्री हुआ, हम तो हर साल पीरियड में थे, ये हमको कोई जानकारी नहीं है। और जो डिलीट हुआ ये भी हमको कोई जानकारी नहीं है। ये सब हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये सब मुझे लगा रहा है। राकेश कुमार, प्रखंड कासगंज पदाधिकारी, प्रतापपुर।